आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ रांची मेले देखने के लिए। आज का ब्लॉग बहुत ही खास और जबरदस्त होने वाला है, तो आप सब ब्लॉग में बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला आज का ये न्यू ब्लॉग। तो आज रांची हटिया जाने वाले हैं, मेले लगा है, जन्माष्टमी का बहुत बड़ा मेला है दोस्तों। और आज का ब्लॉग में हम आपको पूरी मेला का वीडियो दिखाने वाले हैं, ब्लॉग दिखाने वाले हैं, तो आप सब वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही मजा आएगा। चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर। दोस्तों तो आज यहाँ पे मेला लगा हुआ है और आप लोग को दिखाते हैं मेला, आज जा रहे हैं घूमने के लिए, आपको देखता वीडियो। दोस्तों ये मेला जो है ग्राउंड के अंदर लगा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त लाइट लगा हुआ है। अभी हम इंटर करेंगे मेन गेट से। दोस्तों मैं आप सबको मेले के अंदर लेके चलता हूं, और इसके जस्ट पीछे हटिया स्टेशन है जहां पे मैं आया हुआ था। तो देखा यहां पे मेला लगा है, तो मैंने सोचा कि चलो हटिया यहां पे जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ है। दोस्तों ये भैया बेच रहे हैं गुब्बारे, बच्चों के लिए बड़े बड़े गुब्बारे और मछली वाला गुब्बारा, बड़ा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। सभी लोग सज सवर के यहाँ पे मेले देखने के लिए आए हैं, जबकि हटिया ग्राउंड के अंदर हटिया स्टेशन के जस्ट बगल में ये मेला लगता है जन्माष्टमी के दिन दोस्तों। और ये बहुत ही जबरदस्त मेला है, देख सकते हैं बच्चों का यहाँ पे गाड़ी है चढ़ने के लिए, और बच्चों को लोग मेला घूमने के लिए आए हुए हैं। हटिया स्टेशन के जस्ट बगल में मेला लगा हुआ है, देख सकते हैं जन्माष्टमी का मेला, देख सकते हैं हम लोग तीन लोग हैं। और मौसम भाई हमारे कान में कुछ बातें कही जिससे हमें बहुत हंसी आया और बहुत मज़ा आया दोस्तों इनका बात सुन के। दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर ले। हम लोग अभी तीन लोग मेले देखने के लिए आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इस मेले में कितना मज़ा आ रहा है। तो हम लोग अभी पूरे मेले को पूरा नज़ारे को देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक जूस मिल गया, तो सोचे चलो जूस को पी लेते हैं। फिर जूस को पीने के बाद हम लोग मेले का आनंद ले रहे थे और मज़े ले रहे थे दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग मेले से आ रहे थे, और हमारे यहाँ पे तौफीक भाई भी आ गए हैं, जिनका कहना था कि एक अच्छा सा ब्लॉग बनाओ और हम लोगों को दिखाओ, बहुत मज़ा आता है आपका ब्लॉग देखने में। तो आप लोग को भी मज़ा आता होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर देख सकते हैं अभी तौफीक भाई हमें पलट के बोलेंगे, अरे भाई एक अच्छा सा ब्लॉग बनाओ। ठीक है चलो मैं अच्छा ब्लॉग बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ देख सकते कितना जबरदस्त सजाया हुआ है, जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा है देखने में दोस्तों। यहाँ पे पंडाल है, जहाँ पे पंडाल के अंदर मूर्तियाँ हैं, और उसके अंदर का जो डेकोरेशन है ना दोस्तों, बहुत ही गजब का है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा दोस्त सेल्फी लेने के लिए कह रहा था हमें, तो सेल्फी हमने ले लिया। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आ ही रहे थे, जस्ट मेला स्टार्टिंग हुआ था और हम लोग मेला के अंदर गए, और फिर हम लोग का घर जाने का टाइम आ गया। फिर दोस्तों हम लोग मेला देखे और धीरे धीरे घर की तैयारी करने लगे। फिर भी हम लोग मेला के अंदर ही थे और सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। और भी बहुत सारे लोग, लड़कियां और लोग आ रहे थे जा रहे थे, बहुत सारे लोग सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह ब्लॉग बना रहे थे। और ये हमारे मौसम भाई पूरे मेले का नज़ारे अच्छे से आँख खोल खोल के देख रहे थे। यहाँ पर देख सकते स्टेज भी बना हुआ है, जो कि यहाँ पर पता नहीं कुछ प्रोग्राम होने वाला होगा शायद, आप सबको देख सकते हैं। और हमारे मौसम भाई पूरे मेले को अच्छे से देख रहे हैं, बड़ा ही आनंद ले रहे हैं, मज़े से देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे अभी सभी लोग जैसे ही आ रहे हैं, सबसे पहले इस में नज़र डाल रहे हैं, ये जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा वाला रमझुलवा, जहाँ पर लोग रमझुलवा का मज़ा ले रहे थे, और ब्रेक डांस भी लगा हुआ था, और नौ वाला भी जो डांस होता है वो भी लगा हुआ था। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बहुत सारे महिलाएं और भाई बहनों आ रहे हैं। यही गेट है दोस्तों, यहाँ पे दो गेट है, दोनों गेट से देख सकते हैं ये दीदी लोग भी आ रही है देखने के लिए मेला। अब हम लोग यहाँ से मेले से बाहर निकल रहे हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं हटिया स्टेशन की तरफ। और दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे हटिया स्टेशन की तरफ, और फिर क्या होगा, अब फिर धीरे से हम लोग घर जाएंगे। देखिए बहुत सारी महिलाएँ बहनें आ रही है। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग रोड में जा रहे हैं दोस्तों, ये हटिया स्टेशन के जस्ट बगल वाला जो रोड है, इधर से हम लोग खाना पीना खाने के लिए जाते हैं, उधर का रास्ता है ये दोस्तों। और भी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है देखने में,
वाओ कितना गजब का नजारा है दोस्तों, बाहर से बहुत ही अच्छा सजाया गया जो कि मेला देखने में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। कसम से आप देख सकते हैं हमारे गाड़ी यहाँ पे खड़ा है और हमारे मौसम भाई आगे आगे और फयाज भी आगे आगे चल रहा है। जैसा कि आप सब इस ब्लॉग में देख सकते हैं कितना मजेदार ब्लॉग था दोस्तों। अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि रात हो चुका है तो ज्यादा ब्लॉग को कवर नहीं कर पाए और गाड़ी भी चलाना था दोस्तों, खाना भी नहीं खाए थे, दिन भर से भूखे थे, तो सोचा चलो खाना खा लेंगे फिर हम लोग घर को निकलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग गाड़ी को स्टार्ट किए और यहाँ से बाइक किए और हमारे फयाज भाई चले गए एक गुटखा दुकान में गुटखा लेने के लिए, लेकिन गुटखा नहीं मिला दोस्तों। फिर दूसरे दुकान में गए हम लोग, इसके बाद भी गुटखा मिला अंत में और फिर हम लोग तो फाइनली दोस्त हम मेला से घर आ चुके हैं और अभी मैं घर पे हूँ दोस्तों। वीडियो ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी होगी आपको तो ब्लॉग को लाइक करके सब्सक्राइब करके फॉलो कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए। तो आइए मैं आप सबको आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।